नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के शायद सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। ये दो ऐसी लड़ाइयां हैं जिन्होंने भारत के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी और इन दो लड़ाइयों को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। इनके रीजंस क्या हैं, जो घटनाक्रम हुआ वो किस सीक्वेंस में हुआ और इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। पहला कि क्या सीक्वेंस में घटनाक्रम था, कभी कभी क्रोनोलॉजिकल सवाल आ जाते हैं, और इम्पैक्ट क्या हुआ उस लड़ाई का, वो भी बहुत जरूरी है। बाकी रीजंस वगैरह मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, रीजंस पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। तो अभी पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, आई होप आप सभी उसके बारे में क्लियर हैं। कर्नाटिक वॉर्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था और मैंने आपको तब भी बताया था कि जो थर्ड कर्नाटिक वॉर था उसी के समय बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। तो आज हम उसी बैटल ऑफ प्लासी के बारे में जानेंगे। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और भारत के बेस्ट एजुकेटर्स से आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। यहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। कई क्लासेस फ्री में होती हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, लेकिन अगर उन फ्री क्लासेस को देखना है तो आपको एक अनलॉक कोड यूज करना होगा रजिस्ट्रेशन के समय। तो वो कोड आप यूज कर सकते हैं, मेरा नाम दैट इज महिपाल। तो अगर आप रजिस्टर करते हैं तब ये कोड लगाते हैं तो आपके लिए सारी फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी। याद रखिए, इस कोड के बिना आप फ्री क्लासेस को नहीं देख सकते। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्स को पूरा करना है तो फिर आप एक सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का फायदा ये होगा कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। जिस टीचर को आप देखना चाहते हैं, जिससे आप पढ़ना चाहते हैं, उनकी क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, एक है प्लस सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको लाइव क्लासेस और अन्य फीचर्स मिलेंगे। इन क्लासेस में आपको 6 महीने, 1 साल या 2 साल या 3 साल का भी सब्सक्रिप्शन है जो आप परचेज कर सकते हैं, बट यू डू नॉट हैव टू पे दिस प्राइस। आप कूपन कोड लगाइए महिपाल, दैट इज माय नेम, एंड यू कैन गेट एन इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट के बाद ये प्राइसेस रहेंगी 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के लिए। मुझे लगता है कि 1 साल का मिनिमम कोर्स आपको लेना चाहिए सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आप 6 महीने में सारे सब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे। 1 साल में आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो फिर आप 2 साल का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बट आई वुड रेकमेंड यू टू गो विद द 1 ईयर सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट। आइकॉनिक कोर्स जो है, यहां पर क्या होता है कि आपको एक पर्सनलाइज्ड मेंटोर मिलेगा। ये वो मेंटोर्स हैं जो आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, साथ ही साथ आपके जो डाउट्स हैं, मान लो डेली प्रिपरेशन को लेकर आपको कोई डाउट है तो उसमें आपको ये गाइड करेंगे। और एक मेंटोर का होना इस एग्जाम में बहुत जरूरी है। अगर आपके पास मेंटोर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी को जानते हैं जिसने एग्जाम क्लियर किया हो, बहुत बार दिया हो, देन यू डू नॉट रिक्वायर दैट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यू कैन गो विथ प्लस। लेकिन अगर आपके पास कोई मेंटोर नहीं है, आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको इस एग्जाम के लिए पर्सनल लेवल पर डे टू डे गाइड कर सके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आइकॉनिक कोर्स को लें। और यहां पर भी जो प्राइसेस हैं ये वाली आपको पे नहीं करनी है, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं महिपाल। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो भी यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑप्शनल के लिए, और आप इनको एक साथ परचेस करते हैं तो आपको ओवरऑल प्राइस बेनिफिट मिलेगा। अगेन ये प्राइसेस नहीं रहेंगी, कोड लगा देना सीधा 10% इन प्राइसेस में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप आईएएस के अलावा बैंक, एसएससी, स्टेट पीसीएस, नीट, गेट, इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी अनअकैडमी पर इनके सब्सक्रिप्शन उपलब्ध हैं। ये सब्सक्रिप्शन प्राइसेस रहेंगी आफ्टर अप्लाइंग द कोड। तो अब मैं आता हूँ बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बैकग्राउंड पर। देखो अभी भारत की स्थिति क्या है, मैं बात कर रहा हूँ 1756। अब मैं जब भी अभी बोलता हूँ तो समझ लेना मैं 2021-22 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 1756 की। तो 1756 में मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी का मध्य भाग, यहाँ पर अभी दो एंग्लो कार्नाटिक वॉर हो चुके हैं, अंग्रेज यहाँ दक्षिण में काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं, बंगाल में उनको फारूक सियार का फरमान मिल गया था, तो पिछले 50 सालों से आराम से वो ट्रेडिंग कर रहे हैं 40 सालों से, और इस ट्रेड के कारण वो बहुत अमीर होते जा रहे हैं। दे हैव रेज्ड अ लॉट ऑफ मनी, और अब धीरे धीरे उनका लक्ष्य क्या है कि कैलकटा और अन्य जो उनकी ट्रेडिंग पोस्ट है उनको फोर्टिफाई किया जाए। तो उन्होंने धीरे धीरे फोर्टिफिकेशन शुरू भी कर दिए। याद है आपको मराठा डिच के बारे में मैंने बताया था कि मराठा 1741 से 1751 तक लगातार अटैक करते रहते हैं बंगाल पे, और इस डर से अंग्रेज भी अपने कैलकटा शहर के आसपास एक खाई खोदते हैं। खाई खोदी जाती है जैसा फोर्ट्स के किलों के चारों तरफ होती है, मोट कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो ये कैलकटा के आसपास जो मोट बनाई गई थी लगभग 5-6 किलोमीटर बड़ी, इसको नाम दिया जाता है मराठा डिच। ठीक है, तो ये सब अभी चल रहा है। उधर यहाँ पर आप देखोगे कि मुगल एम्पायर पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका है। यहाँ जाट्स पावरफुल हैं, यहाँ सिख पावरफुल हैं, यहाँ राजपूत स्टेट्स पावरफुल हैं, यहाँ पर मराठास पावरफुल हैं, इधर मैसूर और यहाँ नवाब ऑफ कर्नाटक, निज़ाम की टेरिटरी, तो ये सब कुछ यहाँ चल रहा है। इधर अवध भी इंडिपेंडेंट हो चुका है, बंगाल के नवाब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो इस तरह से मुगल एम्पायर अब केवल नाम मात्र का पावर होल्ड करता है, लेकिन हाँ अवध, बंगाल, ये सब निज़ाम अभी भी मुगल एम्पायर को अपने बड़े भाई की तरह सम्मान देते हैं, पैसा वैसा पहुँचा देते हैं जब भी जरूरत होती है। तो
तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल में अपनी ट्रेड के रूप में, व्यापारिक कंपनी के रूप में अच्छी खासी पकड़ बना चुकी है। बंगाल भारत का सबसे बड़ा और सबसे फर्टाइल प्रोविंस था, इसमें बहुत सारे नदी किनारे पोर्ट्स भी थे, जैसे मुर्शिदाबाद ही ले लो, हुगली ले लो, ये सब रिवराइन पोर्ट्स है, चंदर नागौर, ये सारे जो पोर्ट मैं आपको बताता हूँ, कैलकटा, ये समुद्र किनारे नहीं है, ये नदी किनारे हैं, और इस नदी में आराम से व्यापार होता था, ये लोग जहाजों से नदी से होते हुए आगे समुद्र का एक्सेस इन्हें मिल जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये ट्रेड बहुत ही प्रॉफिटेबल था। 1696 में एक गांव है सूतानाती, इसको इन्होंने फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया था जब इनकी लोकल जमींदार से कॉन्फ्लिक्ट हुई। उसके बाद 1698 में इन्होंने तीन गांव की जमींदारी खरीद ली, सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकता, कालीघाट। तो ये सब कहां स्थित है, हुगली नदी के किनारे, उसको गंगा नदी भी कहा जाता है क्योंकि वो उसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, जो मेन गंगा रिवर है उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली। तो कई जगह आप मैप में उसको गंगा नदी देखेंगे, कई जगह हुगली नदी के नाम से देखेंगे। तो इन तीनों गांवों की इन्होंने जमींदारी खरीद कर क्या बनाया यहां पर, अपनी फैक्ट्री और अपने फोर्टिफिकेशन, जिसको इन्होंने नाम दे दिया फोर्ट विलियम। इसका नाम किसके पीछे था, विलियम द थर्ड ऑफ इंग्लैंड के पीछे। तो यही तीन गांव अल्टीमेटली आगे कैलकटा का न्यूक्लियस बनते हैं। अब तो खैर शहर इससे कई गुना बड़ा हो चुका है, लेकिन ओरिजिनली ये तीन गांव थे। तो वेस्ट बंगाल पीसीएस वाले कृपया करके ध्यान दें, आपको गांव के एग्जैक्ट नाम और कितने रुपए में खरीदा गया था ये भी मालूम होना चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी लेवल पर मैक्सिमम इतना ही पूछा जाएगा कि इन्होंने कैलकटा जब बनाया था तो फोर्ट विलियम उसका नाम रखा था, और ये अप्रोक्सीमेटली कब हुआ, इसकी डेट याद रख लेना 1700 के आसपास, यानी 18वीं सदी की शुरुआत। 1717 में फारूक सियार, मुगल एम्परर द्वारा जो इनको फरमान जारी किया गया उसके कारण इनको और बेनिफिट मिला ट्रेड का। ये फारूक सियार फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्यों, इसको मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बता दिया था। बाय द वे, आप पुराने लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मैंने चैनल पर अब एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आपको सारे लेक्चर्स लाइन वाइज मिल जाएंगे। तो मान लो आपका लेक्चर 4-3 कुछ मिस हो गया है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस फारूक सियार के फरमान का इंपैक्ट क्या था, बंगाल में इनको बहुत फायदा हुआ इसका, एक एनुअल पेमेंट देकर इनको ओवरऑल कस्टम ड्यूटीज में छूट मिल गई और इनको दस्तक इशू करने का परमिशन मिल गया। अब दस्तक क्या है, एक प्रकार का पास होता था कि हमारा सामान जा रहा है कंपनी का, इसको पास होने दिया जाए, कोई कहीं नहीं रोकेगा, कोई इस पर टैक्स नहीं लग सकता, कोई टैक्स अधिकारी इसको रोक नहीं सकता। लेकिन इस दस्तक को कंपनी के ऑफिसर्स ने मिसयूज करना, इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कैसे, देखो दस्तक राइट मिली थी कंपनी के सामान के लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर सामान जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसके लिए दस्तक जारी हो सकता है। कंपनी के ऑफिसर क्या करने लगे, पर्सनल साइड बाय साइड ट्रेड करने लगे। मान लो 4 बैलगाड़ी भर के कंपनी का सामान जा रहा है तो साथ में एक बैलगाड़ी अपने पर्सनल सामान की खरीद के डाल दी, उसको भी दस्तक जारी कर दिया, टैक्स फ्री छूट मिलकर उसको भी वो भेजने लग गए। तो ये काम बहुत बड़े स्तर पर होने लग गया और इसके कारण कंपनी के जो अधिकारी हैं वो हद करप्ट होते जा रहे थे और बहुत पैसा भी कमा रहे थे। इस बीच बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन वाइज क्या चल रहा था, तो देखो बंगाल में नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को सेमी इंडिपेंडेंट घोषित कर रखा था। 1717 में फारूक सियार ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल में एक तरह से हेरिडिटरी रूलर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, आज के जो ये तीन बड़े राज्य हैं इंक्लूडिंग बांग्लादेश कंट्री, ये सब कुछ बंगाल के नवाब के अंडर में आते थे। तो यहां पर सिक्के तो होते थे मुगल एम्परर के नाम पे, लेकिन राज जो है वो इफेक्टिवली चलता था किसका, नवाब ऑफ बंगाल का। और 1740s में मराठास ने अटैक करके उड़ीसा इनके हाथ से छीन लिया था। तो अब बंगाल का आप एरिया देखो तो कितना बड़ा एरिया है, देखो बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, पार्ट्स ऑफ असम, उड़ीसा के भी कुछ एरियाज, हालांकि ये इनके हाथ से चला गया था, मराठास के पास चला गया था, तो भी बंगाल देश का सबसे बड़ा और सबसे फर्टाइल प्रोविंस था क्योंकि ये गंगा नदी का क्या है, गंगा नदी वाला एरिया है ये। इट इज़ वन ऑफ दी मोस्ट फर्टाइल एरियाज इन दी एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इतनी फर्टाइल जमीन कहीं पर नहीं है जितनी बंगाल में है, इसीलिए हम इतना इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो बंगाल एक्सटेंड करता था यहाँ अवध से लेकर अराकान तक, म्यांमार का जो माउंटेन रेंज है अराकान योमा, तो अराकान प्रोविंस जो है ऑलमोस्ट वहां तक ये एक्सटेंड करता था। इट वॉज अ ह्यूज प्रोविंस, आज की तारीख में भी देखोगे तो बहुत बड़ा है। तो इतने बड़े प्रोविंस पर नवाब ऑफ बंगाल रूल कर रहे हैं, तो इफेक्टिवली आप देखोगे ना तो दिल्ली के बादशाह के पास भी इतनी पावर और इतनी जमीन नहीं है जितना नवाब ऑफ बंगाल के पास में है। 1740 में बंगाल के नवाब बनते हैं नवाब अली वर्दी खान। नाउ अली वर्दी खान जो है ये खुद एक कू करके सत्ता हासिल करके आए थे, यानी कि इन्होंने जो एग्जिस्टिंग नवाब है उनको ओवरथ्रो किया था विद द हेल्प ऑफ जगत सेठ और कुछ और रिच इन्फ्लुएंशियल लोग थे उनकी मदद से। लेकिन अली वर्दी खान वॉज अ गुड रूलर, इनके समय में जो 15-16 साल का रूल था बंगाल तरक्की किया और इस समय इन्होंने कंपनीज को ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी दोनों को ये चेक में रखते थे, दोनों के ऊपर इन्होंने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे और ज़्यादा कंपनीज अपने पावर्स को मिसयूज़ नहीं कर पा रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ये भी प्रॉब्लम थी और बार बार वो कंप्लेन करते रहते थे मुगल कोर्ट में कि भाई आपने हमें फरमान जारी कर रखा है तो फिर ये नवाब अली वर्दी खान की सरकार हमको क्यों इतना अभी भी
खुलकर काम नहीं करने देती है। बेसिकली खुलकर काम करने का मतलब है कि वो इनको करप्शन के साथ काम नहीं करने देती हैं। तो अली वर्दी खान के समय में कंपनीज जो हैं ये काफी रिस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन 56 में अली वर्दी खान की डेथ होती है और उसके बाद अली वर्दी खान का दोहिता यानी कि सिराजुद्दौला ये बन जाता है राजा। अब सिराजुद्दौला की उम्र कहीं हिस्टोरिकल सोर्सेज में 18 लिखी हुई है, कहीं 22-23, बट हाँ ये श्योर है कि ही वॉज वेरी यंग, ही वॉज हार्डली अराउंड 20-21 ईयर्स ऑफ एज। आप एवरेज एज मानकर चल लो 20-21 साल का ये लड़का था जो अपने नाना की डेथ के बाद गद्दी पर बैठ जाता है। अब सिराजुद्दौला के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि एक तो इसका परिवार बहुत लंबा चौड़ा था, कई लोग सोचते थे कि ये गद्दी पर बैठने के लायक नहीं है, तो इसके खिलाफ साजिश वगैरह रचते रहते थे, और क्योंकि इसका बिहेवियर अच्छा नहीं था तो इसने कई लोगों को नाराज कर दिया था। तो ये जितने भी जगत सेठ और इन्फ्लुएंशियल बैंकर्स और इन्फ्लुएंशियल जो मर्चेंट्स थे जिनको नवाब अली वर्दी खान अच्छे से ट्रीट करते थे, इनके साथ सिराजुद्दौला का व्यवहार अच्छा नहीं था। सिराजुद्दौला पर कई हिस्टोरियंस ये भी लिखते हैं कि ही वॉज अ सेडिस्ट, ही वॉज अ रेपिस्ट, इस तरह की बातें भी लिखी गई है। लेकिन देखो हिस्ट्री क्या है कि दो तरफ से लिखी जाती है, एक वो जो किसी व्यक्ति को बुरा भला बनाना चाहते हैं, तो सिराजुद्दौला को हटाकर जब अंग्रेजों ने अपनी सत्ता यहां पर स्थापित करी तो उनके हिस्टोरियंस ने बाद में सिराजुद्दौला को बहुत बुरा भला कहा। लेकिन यह बात भी तय है कि उस समय के जो कंटेम्प्रेरी मुस्लिम हिस्टोरियंस है वो भी कहते हैं कि इसका व्यवहार इतना अच्छा नहीं था। हमें यह नहीं पता कि वेदर ही वॉज एक्चुअली अ रेपिस्ट और अ सेडिस्ट। सेडिस्ट क्या होता है? सेडिस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे के दर्द में खुश होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि सिराजुद्दौला, ये हिस्टोरियंस लिखते थे उस समय के, कि सिराजुद्दौला हुगली नदी में बोट्स को डुबा दिया करता था ये देखने के लिए कि डूबते हुए लोग कैसे तड़पते हैं, कैसे अच्छे लगते हैं। तो इस तरह का ये सेडिस्ट व्यक्ति था, तो इसीलिए इसको ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे। जो अपर क्लास के लोग हैं जो दरबार वगैरह में रहते हैं, नोबल्स वगैरह, वो कोई इससे ज्यादा खुश नहीं थे, उनका मजाक वजाक उड़ाया करता था ये। तो इस प्रकार का ये एकदम नौजवान था, जोशीला, जिसके अंदर एक्चुअली में लड़ाई वड़ाई लड़ने की ज्यादा कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन ये सबको नाराज करके बैठा था। अब इसी कारण से सिराजुद्दौला के कई सारे दुश्मन बने हुए थे। अब दुश्मन ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके व्यवहार के कारण हुए हो, कई लोगों के अपने एम्बिशंस भी थे, कोई खुद नवाब बनना चाहता था, कोई खुद इंडिपेंडेंट होना चाहता था। तो जैसे बिहार में पूर्णिया नाम की जगह है, वहां का फौजदार जो उसका खुद का कजिन था सिराजुद्दौला का, शौकत जंग, ये उसके अगेंस्ट था। घसीटी बेगम उसकी एक आंटी थी दरबार में, वो भी उसके अगेंस्ट थी। फिर बंगाल की आर्मी का मेन कमांडर मीर जाफर, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम बार बार आएगा, याद करो पिछले भी एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था मराठास के खिलाफ मीर जाफर ने लड़ाई लड़ी थी फॉर अली वर्दी खान। तो मीर जाफर कौन था? बेसिकली ये अली वर्दी खान का साला था, ही वॉज द ब्रदर इन लॉ, तो ही वॉज वेरी सीनियर, ये बड़ा था। अब ये लड़का तो है सिराजुद्दौला कितने 20-22 साल का, मीर जाफर जो है वो इस वक्त 65 ईयर्स का है। तो 65 साल के हैं मीर जाफर, अपने आप को समझते हैं कि मैं नवाब बनने के बिल्कुल लायक हूँ, मुझ में वो कैपेबिलिटी है। और सबसे ज़्यादा खराब तब लगता है जब आप बहुत ही काबिल हों लेकिन आपकी काबिलियत को लोग पहचान ना सकें, जैसा कि वो एक किसी वेब सीरीज में डायलॉग था। तो ये जो मीर जाफर है ये अंदर ही अंदर सिराजुद्दौला के अगेंस्ट था। दूसरे कोर्ट नोबल्स जिनका नाम आपको याद होना चाहिए कि ये इनके सिराजुद्दौला के अगेंस्ट थे, देवर जगत सेठ, ये बड़े बैंकर्स थे, सारे अमीर मर्चेंट्स थे, राजबल्लभ, राय दुर्लभ और ओमी चंद, ठीक है। तो ओमी चंद जो हैं बंगाली में बोलूँ तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट लोग हैं दरबार के आसपास के, बड़े बड़े बैंकर्स हैं कलकत्ता के, जैसे ओमी चंद कलकत्ता शहर के सबसे बड़े सेठ थे, सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। तो इस तरह के लोग सिराजुद्दौला के खिलाफ हो गए थे और ये मौका ढूंढ रहे थे कि कहीं ना कहीं से सिराज को हटा दें। अब इनका लक्ष्य ये नहीं था कि हमें बाहरी ताकत को या ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर में लाना है, इनके सबके अपने फंडे थे, सबको अपना अपना हित साधना था। तो जैसे जाफर को नवाब बनना था, इन लोगों को अपने फेवर का एक ठीक ठाक ढंग से बात करने वाला नवाब चाहिए था, तो ये देखने लगे कि हो सकता है मीर जाफर में हमें आदमी मिल जाए। तो ये कोई कॉन्स्पिरेसी इनकी पहले से नहीं चल रही थी, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, मैं आपको बताऊंगा अभी क्या घटनाक्रम हुआ जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर इन सबको अपनी साइड में कर लिया। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो देखो इनकी कहानियां पढ़ने मत बैठ जाना, बहुत सारे लेक्चर्स हैं जिनमें आपको इनकी लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलेगी, दे आर नॉट रेलेवेंट। आपको बस इनके नाम पता होने चाहिए कौन सिराजुद्दौला की साइड था और कौन ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड था, इतना भी अगर आपको पता चल जाता है तो आपका काम हो जाएगा। अब कहानी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि थोड़ा सुनने में मजा आता है तो याद रखने में आसानी रहेगी। तो अब सिराजुद्दौला ने क्या करा? सिराजुद्दौला बेवकूफ नहीं था, उसको इतना तो पता था कि मेरे खिलाफ ये लोग हैं और कुछ ना कुछ आगे प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो उसने सबसे पहले तो अपने खुद के कजिन शौकत जंग से लड़ाई लड़कर उसको मार दिया और एक न्यूट्रल प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो मोहन लाल नाम के एक व्यक्ति को जो कश्मीरी पंडित था उनको लेकर आया गया और उनको कहा कि अब आप एडमिनिस्ट्रेशन पूरा देखो, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। तो इस व्यक्ति में ये अक्ल थी कि चलो मैं ठीक से काम नहीं कर लूंगा लेकिन आई कैन अपॉइंट समवन हु इज गुड, तो मोहन लाल को अपॉइंट कर दिया गया।
अब इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, मैंने आपको बताया ये अपने दस्तक वाले प्रिविलेजेस का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, मिस यूज कर रहे थे। तो कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं वो अपने खुद की पर्सनल ट्रेडिंग में लगे हुए थे टैक्सेस बचाने के लिए, क्योंकि टैक्स फ्री क्या था, कंपनी का ट्रेड, पर्सनल ट्रेड टैक्स फ्री नहीं था कि आप यहां से सामान खरीद के वहां बेच रहे हो और उस पर कोई टैक्स नहीं दे रहे हो, ये नहीं अलाउड था। लेकिन वो ये सब कुछ कर रहे थे, नवाब के ऑफिसर्स को पता था, रेवेन्यू लॉस हो रहा था, नवाब के ऑफिसर्स लगातार उसको बोलते रहते थे कि ये कंपनी वाले इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमें कुछ मिलता नहीं है, ये अपना पर्सनल ट्रेड साइड बाय साइड चलाते जा रहे हैं। तो सिराजुद्दौला दिन ब दिन ये सब बातें सुनकर वो गुस्सा होता जा रहा था। और बाय द वे सिराजुद्दौला ने ये सारे काम 3-4 महीने में कर लिए थे, क्योंकि अप्रैल 1756 में अलीवर्दी खान की डेथ हुई थी और जून में तो उसने लड़ाइयां शुरू कर दी थी, किसने, सिराजुद्दौला ने। अच्छा, अब इसी बैकग्राउंड में पीछे 7 ईयर्स वॉर शुरू होता है यूरोप में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी को पता था कि आज नहीं तो कल वो जहाज में फरमान हमारे लिए आने वाला है कि यहां भी लड़ो। तो ये दोनों तैयार ही बैठे थे कि भाई साहब लड़ाई कभी भी हो सकती है, तो दोनों ने अपनी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी। तो अंग्रेजों की जो मेन फैक्ट्री है वो थी फोर्ट विलियम कैलकटा, जो आज का कैलकटा शहर है वहां पर, और फ्रेंच जो थे वो थे चंद्रनगर में, जो लगभग 20-30 किलोमीटर कलकत्ता से नॉर्थ में स्थित है। चलो आपको मैप में ये सारी लोकेशंस मैं बता ही देता हूं। हाँ जी, मैंने मैप में सब कुछ मार्क कर दिया है, तो सारी लोकेशंस एक साथ ही बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये है वेस्ट बंगाल, और अब ये जो आने वाले 10 मिनट में मैं आपको घटनाक्रम सुनाऊंगा वो सब इन्हीं शहरों में हुआ था। तो देखो, सबसे पहले ये है हुगली नदी, ये पूरी हुगली नदी बहकर आ रही है, जो गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, और इसी नदी के किनारे ये सारे इंपॉर्टेंट शहर स्थित हैं। तो ये है आज का कोलकाता शहर, अब तो काफी बढ़ गया है, लेकिन इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर है फोर्ट विलियम। आप आज भी जाएं तो यहाँ पर देख सकते हैं, म्यूजियम वगैरह बना हुआ है। तो ये वो सेंट्रल इलाका है बिल्कुल फोर्ट विलियम, जिसके आसपास कोलकाता शहर बसा हुआ था। तो यहां पर थे अंग्रेज। फिर देखो, ये है चंद्रनगर, जिसको फ्रेंच कहते थे चंद्र नागौर, और यहां पर ये चिंसुरा के पास में है, ठीक है। तो चिंसुरा ये भी नाम आया है पिछले हिस्ट्री के लेक्चर्स में, तो आप इसकी अप्रोक्सीमेट लोकेशन आप समझ गए होंगे। अच्छा, आने वाले कुछ लेक्चर्स में बैरकपुर का नाम आएगा, किसी को पता है तो कमेंट में बता दो बैरकपुर का नाम क्यों आने वाला है। तो ये है बैरकपुर की लोकेशन, ये भी फोर्ट विलियम से कुछ ही किलोमीटर उत्तर में स्थित है। फिर उसके बाद जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी उसकी लोकेशन भी बता देता हूं। तो ये है वो जगह पलाशी, पलाशी हिंदी में या बंगाली में कहते हैं, अंग्रेज इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे तो उन्होंने इसकी स्पेलिंग भी बदल दी, प्रोनाउंसिएशन भी बदल दिया, कर दिया प्लासी, जबकि ये हिंदी में कहलाता है पलाशी। और ये जगह जो है ना पलाशी, ये मुर्शिदाबाद, जो नवाब का कैपिटल था, बंगाल के नवाब का कैपिटल था मुर्शिदाबाद, वहां से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण में है, और कलकत्ता से आप इसकी दूरी अगर देखें उस समय तो ये ऑलमोस्ट आई थिंक 150 या 140 किलोमीटर कुछ का डिस्टेंस है। तो अब आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि ये सब कहां पर घटनाक्रम हो रहा है, और ये डिस्टेंसेस समझ लो, थोड़ा सा इससे आपको कहानी समझने में आसानी होगी, ओके। और चलो मैप में है तो बक्सर भी दिखाई देता हूं। तो बक्सर, जहां पर अगली लड़ाई हम डिस्कस करेंगे, वो है यहां पर बिहार और बंगाल का जो बॉर्डर है, ये रहा उसमें बक्सर, गंगा नदी के किनारे बक्सर है, और यहां पर वो नेक्स्ट लड़ाई हुई थी, इट इज एग्जैक्टली ऑन द बॉर्डर ऑफ यूपी एंड बिहार टुडे। तो ये बक्सर और ये प्लासी, यहां पर ये दो लड़ाइयां हुई थी। चलो फिर से हम अपनी स्टोरी पर आ जाते हैं। तो अभी क्या चल रहा था, 7 ईयर्स वॉर, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी दोनों लड़ाई की तैयारियों में लगे हुए थे, दोनों ने अपने अपने ट्रेडिंग पोस्ट को या फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया, फौजी वौजी बढ़ाने शुरू कर दिए। ये बात सिराजुद्दौला को बिल्कुल पसंद नहीं आई, उसने दोनों को ऑर्डर दिया कि ये जो फोर्टिफिकेशन कर रहे हो ना, ये सही नहीं है, इसको कम कर दो, ये मेरे राज में ये तुम हथियार वत्यार लेके नहीं घूम सकते, यहां पर केवल एक ही दरोगा है एंड दैट इज मी, तो ऐसा लिख मत देना आंसर में। तो क्या हुआ कि फ्रेंच कंपनी तो मान गई कि ठीक है चलो नवाब साहब कह रहे हैं तो नहीं करते, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी बोला कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम तो ये मराठा जो डिच हमने बनानी शुरू करी थी पहले, जो आपके नाना अलीवर्दी खान ने उसके लिए परमिशन भी दी थी, उसी को और स्ट्रांग बनाएंगे। तो जैसे पुराने किलों के चारों तरफ एक मोट होती थी, उसी तरह से फोर्ट विलियम के चारों तरफ इन्होंने एक 5-6 किलोमीटर के सर्कमफ्रेंस की मोट बनानी या मराठा डिच बनानी शुरू कर दी, जो पहले से बनी हुई थी उसको थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाया गया, गहरा खोदा गया। तो ये जो मोट है ये फोर्ट विलियम को काफी स्ट्रांग बना देती है। देखो, एक बार मोट बन जाती है ना तो किसी भी किले को अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सिराजुद्दौला को पता था कि कल को ये हमारे ही खिलाफ जा सकता है, तो इसीलिए उसने ये ऑर्डर दिया था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और काम किया सिराजुद्दौला को नाराज करने के लिए, इन्होंने एक पॉलिटिकल रेफ्यूजी को अपने यहां शरण दे दी, कृष्णदास, जो राजबल्लभ का बेटा था, जिसको सिराज पकड़ के मारना चाहता था, ये भागकर आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास फोर्ट विलियम में, और फोर्ट विलियम वालों ने इसकी खातिरदारी शुरू कर दी। इससे सिराजुद्दौला और नाराज हो गया। तो अल्टीमेटली सिराजुद्दौला क्या कहता है कि अब पानी सर के ऊपर से बह चुका है, तो मुर्शिदाबाद से अपनी आर्मी लेकर निकलता है कि बोला आओ चलो फोर्ट विलियम घूम के आते हैं। तो अपनी पूरी आर्मी को बोला कि चलो फोर्ट विलियम, और फोर्ट विलियम जाकर इसने जून 1756 में तुरंत कलकत्ता को जीत लिया। मतलब एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतने सैनिक नहीं थे, इनके पास 200-300 सैनिक थे यहां पर, उनको आराम से हराकर सिराजुद्दौला की आर्मी ने कलकत्ता पर कब्जा जमा लिया। और उसके तुरंत बाद एक घटना होती है जो इस इंग्लिश हिस्टोरियंस ने जिसको काफी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है।
तो देखो कैलकाटा की लड़ाई में ऐसी कोई बहुत मारकाट नहीं मची थी, आराम से इन्होंने फोर्ट विलियम को अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन उसके बाद जो फोर्ट विलियम में 150 लोग बचे थे, इनको क्या किया कि नवाब के सैनिकों ने एक काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसका साइज बताया जाता है 14 बाय 18 फीट। इतने से साइज के रूम में 146 लोगों को डाल दिया गया शाम को 6 बजे, और अगले दिन सुबह जब 6 बजे दरवाजा खोला गया तो उसमें से 123 लोग मर चुके थे, केवल 23 लोग जिंदा बचे थे। ऐसा उस व्यक्ति के अकाउंट से पता चलता है जो इस काल कोठरी में बंद था। उसका नाम था जे जी हॉलवेल, जो आगे जाकर कुछ महीनों के लिए गवर्नर ऑफ बंगाल भी बना था। अब ये जे जी हॉलवेल की भी अपनी एक अलग कहानी है। देखो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं तो मैं थोड़ा साइड ट्रैक नहीं होना चाहता, चलो 1 मिनट में बता देता हूँ। जे जी हॉलवेल जो है ना, ये एक डॉक्टर था, ये डॉक्टर था जो ईस्ट इंडिया कंपनी में एज अ डॉक्टर इसने नौकरी ज्वाइन करी थी। 15-20 साल इसने डॉक्टर की नौकरी करी और फिर ये आ गया ब्यूरोक्रेसी में, मतलब समझ लो एक तरह से आईएएस ऑफिसर टाइप पोजीशन पर चला गया ये, और सीनियर ब्यूरोक्रेट बन गया था कंपनी का। तो जे जी हॉलवेल जो है, इसके नेतृत्व में फोर्ट विलियम छोड़कर बाकी सारे सैनिक भाग गए थे। तो जब ये कैलकाटा सिराजुद्दौला आता है, तब जेजी हॉलवेल उस वक्त फोर्ट विलियम का हेड था, तो उसने सरेंडर कर दिया और ये अपने 150 सैनिकों के साथ इसको काल कोठरी में बंद कर दिया गया। जेजी हॉलवेल इन 23 लोगों में से था जो जिंदा बच गए थे, और इसने अगले साल इंग्लैंड जाकर इस कहानी को इतना बढ़ा चढ़ा कर लिखा कि अंग्रेज लोग गुस्सा हो गए कि ये क्या है, ऐसा सिराजुद्दौला, अच्छा हुआ इसको प्लासी में हरा दिया। मतलब एक माहौल बना दिया इसने पूरा नवाब के खिलाफ। अब एक्चुअल हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि 146 लोग कैसे आ सकते हैं 14 बाय 18 के कमरे में। कई हिस्टोरियंस ने आज इस स्टोरी को डिबेट किया है, इसको कहते हैं बाय द वे ब्लैक होल ऑफ कैलकटा, क्योंकि इसमें इतने लोग मर गए थे इसीलिए इसको ब्लैक होल कहते हैं। तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि यहाँ अराउंड 60 लोग थे, 60-65 लोग थे, हो सकता है 40 के आसपास मरे हों, लेकिन 150 लोग तो यहां पर किसी हालत में नहीं थे। लेकिन जेजी हॉलवेल का जो अकाउंट है उसने तो इस घटना को बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया, और यह घटना अल्टीमेटली अंग्रेजों ने किस लिए यूज करी, प्लासी को जस्टिफाई करने के लिए। सिराजुद्दौला को मार दिया था अगले साल, उसको जस्टिफाई करने के लिए वो बार बार ब्लैक होल को दोहराते थे। तो यह घटना है जून 1756 की, 20-21 जून की रात थी 1756 में, और इसके एग्जैक्टली एक साल बाद 23 जून 1757 को, यानी 23 जून 1757 को क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो यहां से ये अब ये कहानी आपके लिए सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। अब याद रखना मैंने जो सीक्वेंस बता रहा हूं ना, कि पहले क्या होता है, सबसे पहले मुर्शिदाबाद से सिराजुद्दौला निकलकर आता है, फोर्ट विलियम को अपने कंट्रोल में ले लेता है। लेकिन अब अंग्रेज भी चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, तो जब इनके पास खबर पहुंचती है 1-1.5 महीने बाद कि भाई साहब कैलकटा में ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे हाथ से कैलकटा फोर्ट विलियम जा चुका है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, जो अपने आप को कैरनेटिक वॉर में एक हीरो की तरह प्रूव कर चुका था, उसके नेतृत्व में एक जमीनी आर्मी भेजी जाती है ओडिशा से, और एक नेवल आर्मी भेजी जाती है अंडर एडमिरल चार्ल्स वॉटसन। तो क्लाइव का नाम तो सब याद रखते हैं, लेकिन इस बेचारे वॉटसन का भी याद रख लेना, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश फोर्सेस को कौन लीड कर रहा था। तो क्लाइव और वॉटसन, ये दो थे, इनके नेतृत्व में आर्मी और नेवी रिस्पेक्टिवली भेजी जाती है, और ये एक शानदार कैंपेन में कुछ ही दिनों में कैलकाटा को कैप्चर कर लेते हैं। सिराजुद्दौला जा चुका था बाय द वे तब तक कैलकाटा से, पीछे एक छोटा सा गैरिसन छोड़ गया था जिन्होंने एक ही रात में सरेंडर कर दिया। तो इनके हाथ में कैलकाटा आ जाता है 2 या 3 जनवरी को। तो देखो जून में कैलकाटा गया किसके पास, सिराजुद्दौला के कंट्रोल में, इन्होंने जनवरी में फिर से अपने पास इसको ले लिया, और यहां पर एक काउंसिल एस्टैब्लिश करके अब डिसाइड किया कि अब हम यहां पर ही बैठे हैं और अब बंगाल के अंदर पूरा अच्छे से मचा के जाएंगे। अब बाय द वे सिराजुद्दौला जो है वो चुपचाप नहीं बैठा था, उसने देखा जब रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी आई है कलकत्ता में, तो वो भी फिर से अपनी आर्मी लेकर मुर्शिदाबाद से आया। 6 महीने के अंदर अंदर ही बेचारे को फिर आना पड़ा, और वो अपनी आर्मी लेकर अलीनगर आया। अलीनगर क्या है, अलीनगर उसने कलकत्ता का नया नाम रखा था, लेकिन सिराजुद्दौला के अलावा कोई इस नाम को अडॉप्ट नहीं कर पाया, तो ये नाम कभी फेमस नहीं हुआ। लेकिन आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि फरवरी 1757 में साइन होती है ट्रीटी ऑफ अलीनगर बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि सिराजुद्दौला अपनी आर्मी लेकर आया था और अलीनगर जो कि वो कलकत्ता को कहता था, वहां पर उन्होंने एक ट्रीटी साइन कर ली। बेसिकली क्लाइव की आर्मी ने सिराजुद्दौला की आर्मी को यहां पर भी एक छोटी सी लड़ाई में हरा दिया था, और सिराजुद्दौला को समझ में आ गया कि अभी मैं फाइट करने की स्थिति में नहीं हूं, तो इन्होंने एक संधि साइन कर ली। और ट्रीटी ऑफ अलीनगर को अक्सर आप लोग भूल जाते हैं, प्लासी को याद रखते हैं, लेकिन अलीनगर की ट्रीटी कब हुई थी, टाइम पीरियड याद रखना, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ब्लैक होल, फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ अलीनगर, फिर उसके बाद चंद्रनगर का अटैक, और उसके बाद होता है बैटल ऑफ प्लासी। तो यहां पर क्या डिसाइड हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि जो भी हमारा फोर्ट विलियम में प्रिविलेजेस थे ट्रेड वेड के, वो सब हमें फिर से दे दो, और ये जो हमने मोट बनाई है ना मराठा डिच, इसको हम बनाएंगे आगे भी रखेंगे। तो सिराजुद्दौला मान गया, उसने कहा ठीक है चलो मान लेते हैं, और वापस अपने मुर्शिदाबाद कैपिटल चला गया। अब रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी नजरें गढ़ाई पड़ोस में बैठे फ्रेंच पर, उसको पता था कि ये बार बार चाबी भरने वाले फ्रेंच है, क्योंकि फ्रेंच है ना नवाब के एक्चुअली में सपोर्टर थे, जब भी उन्हें जरूरत होती थी तो उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हथियार वगैरह सप्लाई करे भी जाते थे। तो फ्रेंच कहां थे, चंद्रनागौर में। चंद्रनागौर कहां था, मैंने आपको बताया था, बस ये थोड़ा सा नॉर्थ में है कलकत्ता से। तो रॉबर्ट क्लाइव ने, क्योंकि अभी थर्ड कार्नाटिक वॉर शुरू हो चुका है, तो इसलिए उसने
बंगाल में फ्रेंच को एलिमिनेट करने के लिए फ्रेंच फैक्ट्रीज पर हमला करना शुरू किया और चंद्र नागौर को तो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो इनकी जो नेवी है वो गई, उसने पूरी चंद्र नागौर की फ्रेंच फैक्ट्री को बम्बार्ड कर दिया और यहां से फ्रेंच को रफा दफा कर दिया। इसने इतनी बुरी तरह से हराया था फ्रेंच को कि इसके बाद फ्रेंच पावर बंगाल से बिल्कुल वाइप आउट हो गया। ठीक है, अब आप सोचोगे कि इस समय सिराजुद्दौला ने फ्रेंच की हेल्प क्यों नहीं करी। तो सिराजुद्दौला जो है उसको खुद को अब डर लगने लगा था कि एक्चुअली मैं इनकी हेल्प कर पाऊंगा या नहीं, और वो अनडिसाइसिव भी था कि मैं इनके झगड़े में क्यों पड़ूं, ये तो इनकी फैक्ट्री पर हमला कर रहे हैं, मेरे को क्या पड़ी है, मैं तो मुर्शिदाबाद में सेफ एंड सिक्योर हूं। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। तो अब फ्रेंच को बंगाल से पूरी तरह से वाइप आउट करने के बाद रॉबर्ट क्लाइव फिर से कलकत्ता आकर बैठता है, कुछ महीने शांति से बैठता है वो, 2-4 महीने, और ये सोचता है कि कैसे मैं इस सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा दूं। अब क्लाइव का इंटेंशन यहां पर ये नहीं था कि गद्दी हम अपने हाथ में ले लें या हम एडमिनिस्ट्रेशन ले लें बंगाल का, नहीं, इनका अभी भी टारगेट ये है कि एक ऐसा नवाब बैठ जाए जो हमें परेशान ना करे, हम जो चाहे वो करें, हमें जितना चाहे जैसा चाहे ट्रेड करें और कोई हमसे ना टैक्स मांगे और ना कोई हमें परेशान करे, इस तरह का नवाब हमें कोई चाहिए। तो इसी समय क्लाइव की बातचीत होनी शुरू होती है मीर जाफर के साथ। मीर जाफर जो है वो नवाब सिराजुद्दौला की आर्मी का मीर बख्शी था। मीर बख्शी का मतलब होता है मिलिट्री कमांडर। तो आपका मेन जनरल आर्मी का आपके दुश्मन के साथ बातचीत कर रहा है, और ये बातें कई हफ्तों कई महीनों तक चली थी बाय द वे, ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब कुछ हो गया था। ध्यान रखो फरवरी में चंद्र नागौर के अटैक के बाद से क्लाइव वहीं बैठा था, वो 6 महीने तक वहीं बैठा रहा था कलकत्ता में। और प्लासी का युद्ध होता है कब, जून में जाकर, जून 1757 में। तब तक उसने मीर जाफर, माणिक चंद, ओमी चंद, जगत सेठ, खानदीम खान, इन सबको अपनी साइड में किया धीरे धीरे करके। तो बेसिकली जो पूरी नवाब की आर्मी थी वो अब क्लाइव की जेब में थी। इनको प्रॉमिस किए गए कि तुम्हें पैसा मिलेगा अगर तुम नवाब को हटवा देते हो, तो तुम्हें बहुत पैसा भी देंगे, पोजीशन भी देंगे। जाफर को तो बोल दिया कि तुम्हें तो नवाब बना देंगे। जाफर तो बेचारा 65 साल की उम्र में सोच ही रहा था कि मैं नवाब बनूं, इतने सालों से उसको नवाब मिलने की मौका ही नहीं मिला। दूसरी तरफ सिराजुद्दौला के लिए भी कुछ लोग वफादार थे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोहनलाल और मीर मदान। लेकिन दिस वॉज नॉट इनफ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली कूच कर देती है पलाशी की तरफ। तो कलकत्ता से इनकी आर्मी निकलकर जाती है पलाशी, मुर्शिदाबाद पर अटैक करने गए थे, लेकिन उधर से नवाब सिराजुद्दौला भी अपनी आर्मी लेकर पलाशी तक पहुंच गया, जो कि 50 किलोमीटर साउथ में है मुर्शिदाबाद से। दोनों आर्मीज आमने सामने होती हैं हुगली नदी के किनारे पलाशी नाम की जगह पर, और यहां पर ये लड़ाई होती है जहां पर सिराज के पास बहुत बड़ी आर्मी है। लेकिन इस आर्मी का फायदा क्या जब इनका जनरल तो सारे इंग्लिश की जेब में थे। तो बैटल ऑफ प्लासी होती है 23 जून 1757 को। ये डेट आप हिस्ट्री में है ना एकदम दिमाग में बिठा लो। मुझसे कल स्पेशल क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हम हिस्ट्री में डेट्स कैसे याद रखें। तो देखो इसका यही तरीका है कि आप कुछ की इवेंट्स को पकड़ लो, जैसे बैटल ऑफ प्लासी 1757, फिर आप याद रख लो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, फिर उसके बाद इंडिया की इंडिपेंडेंस 1947। तो इस तरह की डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। कुछ आप 5-7 डेट भी अगर याद रख लो ना तो भी आपका काम हो जाएगा, उसके आगे और पीछे के इवेंट्स आपको बस क्रोनोलॉजी में याद रखने हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी ऑलमोस्ट ब्लैक होल के 1 साल बाद होती है, तो अंग्रेजों को तो मौका मिल गया कि हम ब्लैक होल का बदला ले रहे हैं। अब एक्चुअली में ये जो बैटल है ना, ये बैटल सिर्फ नाम की थी, यहां पर कोई ज्यादा लड़ाई हुई नहीं थी, 2-4 गोलियां चली थी और उसके बाद वो जैसा बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में होता है ना कि ये आर्मी वाले वॉक करके ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ चले गए, बिल्कुल वैसा ही सीन हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला देखता रह गया कि ये क्या हो गया, उसके पांव तले जमीन खिसक गई, वो वहां से भागा, लेकिन वो भागा तो उसके पीछे मीर जाफर का बेटा गया और मीर जाफर के बेटे के ऑर्डर्स पर सिराजुद्दौला को मार दिया गया। अब आप इस घटना की इंपॉर्टेंस को समझो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑर्डर्स पे पहली बार भारत की धरती पर किसी सिटिंग नवाब को मारा गया है। मानता हूं कि डायरेक्ट मर्डर या फिर जो खून है वो अंग्रेजों के हाथ पर नहीं था, मीर जाफर के बेटे ने इसको मरवाया था सिराजुद्दौला को, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही फायदा हुआ ना। तो ये बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट है, इसीलिए आज हम प्लासी पढ़ते हैं, हिस्ट्री की किताबों में भी इसको स्थान दिया जाता है, क्योंकि एक कंपनी के कहने पर एक नवाब को, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंसेस ऑफ इंडिया बंगाल के नवाब को इन्होंने मार दिया। युद्ध के बाद मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव की डील के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और क्लाइव खुद बन गया गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम। तो ये पोजीशन तो पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब इसने गवर्नर ऑफ बंगाल का टाइटल भी अपने नाम के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। तो क्लाइव 3 साल तक वहीं रहा, 57 से 60 के बीच में। उसने अपनी जीत के पूरे मजे उड़ाए, बहुत सारा यहाँ से धन इकट्ठा किया, और जब ये वापस इंग्लैंड गया रिटायर होकर 1760 में, तो जहाज़ों भरकर ये सामान लेकर गया था अपने साथ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली 2-3 जहाज इसके पूरे लदे हुए थे सामान से, इतना सारा ये हीरे जवाहरात, गिफ्ट, एंटीक फर्नीचर, एंटीक तलवारें, पता नहीं क्या क्या ये लेकर इंग्लैंड गया। और इसके पास इतना पैसा था कि ये इंग्लैंड में कुछ भी नहीं था, ही वॉज अ नोबडी इन इंग्लैंड। ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्विस में आया था तो ये केवल एक साधारण सैनिक था, लेकिन जब ये रिटायर होकर इंग्लैंड पहुंचा, वहां पर जाकर ये सीधा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। इसने लिटरली एक सीट खरीद ली अपने लिए। बाद में
इसके खिलाफ बहुत सारे केस भी चले, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में हंगामा हो गया कि ये तो क्लाइव तो बहुत कुछ गलत काम करके आया है इंग्लैंड में, इसने धोखाधड़ी करी है, इसने करप्शन किया है। मेनली उनको जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे दूसरे, उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि ये इतना पैसा कमा के कहां से आ गया है, तो उन्होंने इसके खिलाफ सारी फाइलें खुलवा दी और इसके खिलाफ इंक्वायरी बैठी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। हालांकि उस इंक्वायरी का कुछ निकला नहीं, क्योंकि कहते हैं कि इसने वहां पर भी पैसा देकर उनको खरीद लिया। एनीवेज, ये पेंटिंग काफी मशहूर है और ऐसा कहते हैं कि बाद में क्लाइव के वंशजों ने ही ये पेंटिंग बनवाई थी 19th सेंचुरी में। तो इसमें आप देख सकते हो रॉबर्ट क्लाइव और उसके सामने ये मीर जाफर उसका स्वागत कर रहा है प्लासी के लड़ाई के बाद में। यहां पर एक चीज मैं ऐड करना भूल गया कि लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 2,20,00,000 रुपए भी दिए थे, 2.2 करोड़ रुपीज एज वॉर इंडेमनिटी। वॉर इंडेमनिटी एक शब्द है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है कि आपने लड़ाई लड़ी हमारे साथ जबरदस्ती की और हमारा खर्चा हुआ तो उसका भरपाई करो आप, उसकी उसके लिए पैसा दो, ये वॉर इंडेमनिटी होती है। तो इसी वॉर इंडेमनिटी के तहत 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा नवाब ऑफ बंगाल ने अपने बंगाल के खजाने से निकालकर ईस्ट इंडिया कंपनी की झोली में डाल दिए। अब आप सोच लो इसमें से कितना पैसा क्लाइव ने खुद खाया होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसके कारण बंगाल की जो ट्रेजरी है वो खाली हो गई और मीर जाफर को कुछ ही महीनों में ये समझ में आ गया कि मैंने नवाब की गद्दी तो ले ली है लेकिन मेरे पास कोई ज्यादा पावर बची नहीं है, क्योंकि एक तो मेरे से वॉर इंडेमनिटी लेकर पूरा खजाना खाली करवा दिया इन्होंने, अब यहां पर फ्रेंच भी नहीं है, फ्रेंच नहीं है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को काउंटर करने के लिए कोई नहीं है, इनके पास नेवी है बहुत स्ट्रांग, तो पहले फ्रेंच थोड़ा बहुत इन पर एक चेक रखते थे, अब वो चेक भी चला गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे बंगाल राज्य में फ्री ट्रेड राइट्स दे दी, अब तो इन्होंने वो जो सालाना टैक्स देते थे वो भी देना बंद कर दिया, बोले अब कोई टैक्स वैक्स नहीं है, जितना चाहे हम ट्रेड करेंगे, 0% टैक्स देकर ये व्यापार किया करते थे। उसके बाद पर्सनल ट्रेड से भी रिस्ट्रिक्शंस हटवा लिया अफसरों ने, कि मान लो अगर क्लाइव का पर्सनल सामान कुछ आ रहा है बिहार से कलकत्ता तक तो उसके लिए कोई टैक्स वैक्स नहीं दिया जाएगा, तो पर्सनल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हट गए। तो पहले जो ये काम छुप छुप के करते थे अब तो ओपनली सारे ऑफिसर करने लग गए बड़े बड़े। और 24 परगना डिस्ट्रिक्ट की जो जमींदारी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई, एंड टू बी स्पेसिफिक रॉबर्ट क्लाइव को पर्सनली दी गई थी। तो ये आज का कोलकाता शहर है, उसके दक्षिण में ये साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, ये नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, पहले ये पूरा मिलाकर 24 परगना बनाता था। परगना क्या होता है, ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक जमीन का हिस्सा हुआ करता था, मतलब परगना को आप मान लो एक तरह से तहसील लेवल का एरिया हो गया, तो ये 24 परगना मिलकर इस डिस्ट्रिक्ट को बनाते थे, इसीलिए इसको 24 परगना कहा जाता है, आज भी इसका यही नाम है। ये बाय द वे वेस्ट बंगाल का करंट मैप है, तो इसमें अब इन्होंने बस ये डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया हमने आजादी के बाद, तो ये नॉर्थ परगना डिस्ट्रिक्ट, ये साउथ 24 परगना, बेसिकली कोलकाता के आसपास की सारी जमीन रॉबर्ट क्लाइव के नाम कर दी गई। बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने इसको कंपनी के नाम पर कर दिया। तो क्लाइव जो कि एक आम सैनिक था, अब भारत के सबसे रिच और फर्टाइल इलाकों में से एक का बड़ा जमींदार था। ही बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट जमींदार्स इन बंगाल एट दैट टाइम। इतना बड़ा एरिया उसको दे दिया गया जमींदारी में, और यह बाद में देकर चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो बेसिकली कोलकाता और उसके आसपास का सारा एरिया एक तरह से अब कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है, लेकिन अभी भी इनके पास जमींदारी राइट्स हैं, तो ये केवल रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल नहीं है। वो कब शामिल होंगे, बक्सर के बाद, मैं आपको बताता हूं किस तरह से। तो 3 साल के अंदर अंदर मीर जाफर को जब ये रियलाइज हो चुका था कि उसने गलत डील कर ली है, उसका खजाना खाली है, तो उसने अंग्रेजों के सामने थोड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी करनी शुरू कर दी, है ना। उसने ये फ्री ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस में कुछ प्रॉब्लम्स करी अंग्रेजों के लिए, साथ ही साथ उसने दूसरे यूरोपियन पावर्स के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी। उसने डच को बुलाया कि आओ और ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक करो। डच आए और बुरी तरह से हारकर ईस्ट इंडिया कंपनी से चले गए। तो क्लाइव गुस्सा हो गया कि अबे हमने तुमको नवाब बनाया और तुम हमारे साथ ही गद्दारी कर रहे हो, मतलब पहले नवाब के साथ अब हमारे साथ ये क्या लगा रखा है। तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी काफी नाराज हो जाती है और मीर जाफर को हटा दिया जाता है नवाब के पद से। तो जितनी आसानी से इन्होंने इसको बनाया था नवाब, उतनी ही आसानी से हटा दिया। और अब किसको नवाब बनाते हैं, इसी मीर जाफर के दामाद को, मीर कासिम को। तो अचानक से बुलाया जाता है क्लाइव के द्वारा कि मीर कासिम बेटा इधर आओ, गद्दी पे बैठो। तो 1760 से 63 तक मीर कासिम बन जाता है बंगाल का नवाब। और मीर कासिम को भी अब ये कठपुतली की तरह चलाना चाहते थे, तो इसने बर्दवान, मिदनापुर और चितगांव जैसे इंपॉर्टेंट शहर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। और मीर कासिम को इतना डर लगने लगा था ईस्ट इंडिया कंपनी से कि इसने अपना कैपिटल ही शिफ्ट कर लिया, ये मुर्शिदाबाद से थोड़ा इनलैंड चला गया बिहार की तरफ, मुंगेर में जाकर अपना दरबार लगाकर बैठ गया। तो इसको लगा कि यहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम होगा, वरना मुर्शिदाबाद में तो क्या होता था कि क्लाइव अपने किसी पर्सनल असिस्टेंट को भेजता था कि जाके नवाब से ये साइन करवा के ले आ। इस तरह से हरकतें होती थी कि एक अंग्रेज ऑफिसर आएगा, नवाब सो रहा है, उसको उठाकर उससे साइन करवा के वापस चले जाते थे। तो इसको लगा कि मैं मुंगेर जाकर बैठ जाऊंगा तो वहां मेरी थोड़ी इज्जत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
मीर कासिम ने एक और रेडिकल स्टेप लिया, उसने भारत के व्यापारियों के लिए, लोकल बंगाली व्यापारियों के लिए इंटरनल ट्रेड पर ड्यूटीज हटा दी। यानी कि जहां अंग्रेज तो देते थे 0% टैक्स और लोकल व्यापारी देते थे ऑलमोस्ट 40% टैक्स, तो उसने इन 40% टैक्स व्यापारियों के लिए भी 0% कर दिया टैक्स। तो इससे क्या हो गया कि अब भारत का जो ट्रेडर है, बंगाल का जो ट्रेडर है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कॉम्पिटेटिव हो सकता है ना। तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत नाराज हो गई कि ये क्या लगा रखा है तुम्हें, हम बनाए नवाब और तुम हमारे ही मतलब टैक्स वैक्स हटाने में, हमारा बिजनेस अंडरकट करने में लगे हो। तो मीर कासिम से भी इनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मीर कासिम जो है उसने बोल दिया था कि देखो मैं कठपुतली नहीं बन सकता, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हें कठपुतली बनाकर रहेंगे। तो अल्टीमेटली इसको बिहार से भी भागना पड़ा और ये अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांधकर चला जाता है कहां, पड़ोसी भैया के पास अवध में। अवध में जाकर ये नवाब शुजाउद्दौला को बोलता है कि बड़े भाई साहब मुझसे गलती हो गई, मेरे ससुर जी से भी गलती हो गई, इन ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को हमने बहुत पावर दे दी है, अब एक काम करो हम मिलकर कुछ करते हैं इनका। लेकिन जब ये भागा तो पीछे से मीर जाफर ससुर जी फिर से आते हैं और बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं मुझे बना दो फिर से। तो 2 साल के लिए फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। तो जिसे पहले हटाया था उसको अब फिर से नवाब बनाते हैं और 65 में इसकी डेथ हो जाती है। अब आते हैं हम बैटल ऑफ बक्सर पे। तो बैटल ऑफ बक्सर होती है ईयर 1764 में। उसके पीछे रीजन क्या था, ये जो मीर कासिम है ना भाग के अवध गया था, इसने अवध के नवाब को और मुगल एम्परर को दोनों को अपनी साइड करा, बहुत समझाया कि चलो मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को हराते हैं। अब उस समय नवाब ऑफ अवध कौन था, शुजा उद दौला। तो ये तीन बड़े बड़े एम्पायर्स हैं, मुगल्स, अवध और बिहार। तो तीनों के नवाब और मुगल बादशाह, दोनों के नवाब और मुगल बादशाह मिलकर किस पर हमला करना चाहते हैं, एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो कलकत्ता का छोटा सा एरिया लेकर, कुछ 24 परगना लेकर बैठी है। तो गैंजेटिक प्लेन्स के, भारत के उत्तरी क्षेत्र के तीन सबसे बड़े किंगडम मिलकर एक ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला करने का सोचते हैं। लेकिन अब इन तीनों नवाब और बादशाहों की आप पावर को रियलिटी में इवेल्युएट करो। मीर कासिम जो नवाब ऑफ बंगाल कहने को है, लेकिन मैंने यहाँ स्टार मार्क कर दिया है क्योंकि ये खुद बंगाल से भाग आया था, तो अपने साथ जो कुछ हजार सैनिक लाया था उसके पास उसके अलावा कोई पावर नहीं थी। शाह आलम द सेकंड, इसकी भी अपनी निराली कहानी है। शाह आलम इतना कमजोर था कि ये खुद दिल्ली में अपनी सत्ता नहीं संभाल पाया था, ये भागकर अवध आकर बैठा था, लखनऊ फैजाबाद में आकर बैठा था शुजाउद्दौला के पास में, क्योंकि इसको दिल्ली में इसके खुद के दरबारी स्पेशली इमादुल मुल्क मारना चाहते थे। तो ये मुगल एम्परर, मुगल बादशाह खुद दिल्ली में अपनी सल्तनत नहीं चला पा रहा था, वो भाग के आके नवाब ऑफ अवध के पास बैठा था। और नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला ये थोड़ा सा पावरफुल था, इसके पास ठीक ठाक आर्मी थी और साथ ही साथ ये बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 में हो चुकी है इस वक्त तक, उसकी कहानी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। बैटल ऑफ पानीपत में ये विनिंग साइड में था, बाकी सब लूजिंग में थे, ये तो खैर उसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे। तो आप समझ रहे हो कि शुजाउद्दौला थोड़ा बहुत पावरफुल है, बाकी ये दोनों तो खाली नाम के नवाब और बादशाह हैं, बाकी इनके पास एक्चुअल पावर ज्यादा है नहीं। बट स्टिल एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा वो होता है फैक्टर। आप सोचो मुगल एम्पायर, अवध एम्पायर, नवाब ऑफ बंगाल तीनों मिलकर एक कंपनी पर जंग छेड़ रहे हैं। तो तीनों ने अपनी 40,000 की सेना इकट्ठी करी, बक्सर नाम की जगह पर लड़ाई होती है जो बिहार बंगाल के बॉर्डर पर है, और ब्रिटिश ट्रूप्स को लीड कर रहा है वहां पर हेक्टर मुनरो। याद रखो यहां पर क्लाइव जा चुका है, क्लाइव तो MP बन गया है, और इनके पास केवल 7,000 सैनिक हैं। कुछ अकाउंट्स कहते हैं कि 10,000 थे, लेकिन ज्यादातर अकाउंट्स 7,000 कहते हैं। तो केवल 7,000 सैनिकों के साथ हेक्टर मुनरो ने उत्तर भारत के तीन बड़े बड़े किंगडम्स की आर्मी को एक ही दिन में, कुछ ही घंटों में हरा दिया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री विक्ट्रीज मानी जाती है, और मेनली इसका श्रेय हेक्टर मुनरो को जाता है क्योंकि मुनरो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी लगाता था। मुनरो का युद्ध स्थल में जो उसकी स्ट्रैटेजीज थी उसको बीट करना बहुत मुश्किल था, और इस लड़ाई में ये तीनों खुद मौजूद थे वहां पे, ठीक है। और तीनों में से देखो क्या होता है, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला अपनी आर्मी को छोड़कर भाग गया, हालांकि उसको भी कुछ दिन बाद इन्होंने पकड़ लिया था अंग्रेजों ने। मुगल बादशाह इनका कैदी बन जाता है, ये पेंटिंग वही दिखा रही है, ये मुगल एम्परर है शाह आलम द सेकंड, जिसको अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया है लड़ाई के बाद। और तीसरा कौन, मीर कासिम, जिसने ये सारी लड़ाई शुरू करवाई थी। मीर कासिम लड़ाई से भाग गया और उसके बाद इसने किसी ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं सुनी। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये भीख मांगता हुआ कुछ साल बाद कलकत्ता की सड़कों पर मर गया था, लेकिन एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। ही जस्ट रैन अवे और उसके बाद उसका कभी कोई जिक्र नहीं आता है। अब हेक्टर मुनरो जो कि एक मिलिट्री जनरल है, उसने इन तीन बड़े बड़े नवाबों को हरा तो दिया था, लेकिन हेक्टर मुनरो को ये पता था कि मैं एक मिलिट्री जनरल हूं, मुझे नहीं पता कि इन लोगों के साथ क्या डील करी जाए। इसको भी पता था कि हमने अपनी औकात से बाहर जीत हासिल कर ली है, तो अब एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस स्थिति को समझ सके और इसको भविष्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में टर्न कर सके। तो हेक्टर मुनरो ने चिट्ठी भिजवाई कलकत्ता अपने ऑफिसर्स, अपने सीनियर्स के पास कि कोई बड़ी तोप चाहिए इनसे नेगोशिएट करने के लिए, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है ये। कलकत्ता के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि हमारे बस की भी बात नहीं है, फोन घुमाओ, चिट्ठी भेजो। किसको? रॉबर्ट द क्लाइव को। रॉबर्ट द क्लाइव जो हैं, जो इंग्लैंड में अपने बड़े एस्टेट में शाही विलासिता की जीवन में जी रहे थे, उनके पास अचानक चिट्ठी आती है 6 महीने बाद
कि हमने है ना नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और नवाब और बादशाह ऑफ मुगल्स, इन तीनों को हरा दिया है। क्लाइव बड़ा खुश हुआ चिट्ठी पढ़कर। अच्छा, चिट्ठी का दूसरा हिस्सा, आपकी जरूरत है, आप आओ और इनके साथ डील करो, क्योंकि ये नवाब वबाब के साथ डील करना हमें नहीं आता है, हम तो बैठे व्यापारी, हमसे ट्रेड हो जाता है, ये बड़े नवाबों के साथ डील करना तो आपको ही आता है, जैसा आपने जाफर के साथ किया था, टाइम टू कम बैक अगेन टू इंडिया। तो रॉबर्ट क्लाइव केवल कुछ महीनों के लिए या एक आध साल के लिए जहाज में बैठकर फिर से आता है इंडिया। अब आप इसीलिए देखो कि लड़ाई कब हुई थी, अक्टूबर 1764 में, लेकिन जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है वो कब साइन हुई थी, 1765 में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अगस्त 1765 में। और ये इतना 10 महीने का समय क्यों लगा था, क्योंकि इस 10 महीने में क्लाइव के पास चिट्ठी गई, क्लाइव बैठकर जहाज में भारत आया और फिर इसने शांति से बैठ के सोचा कि क्या क्या करना है। अब आप क्लाइव की सोच देखो, क्लाइव के पास दो ऑप्शन थे, बंगाल तो इनकी जेब में था, अवध के नवाब को मार सकता था चाहता तो, मुगल एम्पायर को भी खत्म कर सकता था चाहता तो, दोनों को एक ही झटके में, दोनों नवाबों को और बादशाह को मरवा देता और दोनों के कब्जा कर लेता। लेकिन क्लाइव ने दिमाग लगाया कि नहीं, ये गलत होगा, अगर हमने दोनों नवाब और बादशाह को मार दिया या जेल में भी डाल दिया तो जनता या जो लोकल जमींदार हैं वो सब हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे, देयर वुड बी अ रेबेलियन, एक बगावत हो जाएगी और हमारे बस की बात नहीं है, हमारे पास अभी बहुत कम सैनिक हैं यहाँ पर, तो वी कैन नॉट कंट्रोल दी एंटायर गैंजेटिक प्लेन्स, तो इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल है। तो अभी के लिए क्या करते हैं कि अवध, जो कि हमारा इमीडिएट पड़ोसी है बंगाल का, इसके साथ एक दोस्ती की समझौता कर लेते हैं, डील कर लेते हैं, मुगल एम्पायर को अभी के लिए छोड़ देते हैं, मुगल एम्पायर हमारी जेब में रहेगा लेकिन उसके साथ अभी हम कुछ करेंगे नहीं। तो ये क्लाइव का मास्टर स्ट्रोक था। तो क्लाइव ने दो अलग अलग ट्रीटी साइन करी, एक साइन करी अवध के शुजाउद्दौला के साथ, उसको बोला कि एक काम करो, इलाहाबाद का किला और कारा का किला हमें दे दो और ये किले हम दे देंगे किसको, मुगल एम्पायर को, मुगल एम्परर को। तो कारा और इलाहाबाद, इन दोनों किलों को ले लिया, फिर 50 लाख रुपए भी ले लिए इनसे वॉर इंडेमनिटी के रूप में और इनसे एक ट्रीटी साइन करवा ली, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगी, स्टार मार्क कर लेना। ऑफेंसिव डिफेंसिव का क्या मतलब है कि मान लो कि हम पर मराठा हमला करते हैं, यही थिंकिंग थी इसके पीछे, तो अगर हम पर मराठा हमला करते हैं तो अवध हमारे साथ खड़ा होगा लड़ाई में, डिफेंस में, और अगर हम मराठा पर हमला कर देते हैं, मान लो अभी कर नहीं सकते लेकिन अगर हम करना चाहें तो अवध भी हमारे साथ लड़ाई लड़ेगा, तो तुम हमारे साथ जबरदस्ती की ट्रीटी साइन करो, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों स्थिति में हमारी मदद करोगे, और हाँ अवध में हम व्यापार करेंगे, ये तो मतलब ऑब्वियस है, व्यापारी तो हम है ही। तो इन्होंने शुजाउद्दौला के साथ ये वाली ट्रीटी कर दी और शुजाउद्दौला को बोला कि अब आप पधारें, जाएं अपने फैजाबाद, अपने किले में, अपने कैपिटल में आराम से एंजॉय करें। फिर आता है क्लाइव शाह आलम से बात करने, इसको बोलता है हाँ जी शाह आलम, आप शहजादे अपने खुद के दरबार को नहीं कंट्रोल कर पाते हो, दिल्ली से भागकर अवध में आकर बैठे थे, ये बाय द वे यंग था, ज्यादा एजेड नहीं था, 31 साल का था, बोले तुम दिल्ली संभाल नहीं पा रहे और यहाँ आकर बंगाल में हमसे लड़ाइयाँ लड़ रहे हो, एक काम करो, तुम्हारे पास कोई रहने का ठौर ठिकाना तो है नहीं, अवध के नवाब के किले में बैठे थे, तो तुम इलाहाबाद में रहो, ठीक है, तुम हमारे प्रिजनर हो लेकिन हम तुम्हें कैदी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, तुम इलाहाबाद किले के राजा हो, बादशाह हो, तो किला हमारा अंडर में है लेकिन यू विल रिजाइड इन इलाहाबाद फोर्ट, यहां से तुम बाहर नहीं जाओगे, इधर उधर हाथ पांव नहीं मारोगे, क्योंकि इस लड़ाई के पहले, बक्सर के पहले, शाह आलम जो है ना ये बिहार में कंटिन्यूसली अटैक करके बंगाल में अपनी सत्ता जमाने की कोशिश कर रहा था, तो इसको बोला कि तुम अब बंगाल में एंट्री नहीं मारोगे, तुम इलाहाबाद में बैठे रहो और बंगाल बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार हमारे नाम कर दो, तो तुम्हें हम पेंशन देंगे 26 लाख रुपए सालाना और तुम इसके बजाय हमें, यानी कि तुम मुगल बादशाह हो तो तुम बंगाल के नवाब को पावर दे सकते हो या छीन सकते हो, तो तुम बंगाल के नवाब से पावर लेकर हमें दे दो। बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम, वो तो भाग गया, उसके साथ कोई डील वील नहीं हुई, तो बंगाल में नवाब किसको बनाया गया, इसी समय बाय द वे मीर जाफर की भी डेथ हो जाती है, तो मीर जाफर का जो 15-16 साल का बेटा था एक, उसको गद्दी पर इन्होंने बिठा दिया, वो तो बिल्कुल यूजलेस था, एक साल में उसकी डेथ हो गई, उसके बाद एक और 16-17 साल का लड़का उसको गद्दी पर बिठा दिया, वो सब तो अंग्रेजों की जेब में थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे बैठ रहे हैं ना गद्दी पे बंगाल में, इनके पास दीवानी राइट नहीं रहेगी, वो तुम हमें दे दो। तो ये दीवानी राइट का क्या मतलब है, अगली स्लाइड में आपको समझाता हूं। तो बेसिकली इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से बंगाल जो है अब रेड हो जाएगा भारत के नक्शे में, अब मैं आपको जो भी मैप दिखाऊंगा उसमें आपको बंगाल रेड कलर में या पिंक कलर में नजर आएगा, क्यों, क्योंकि अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप है, अभी तक ये व्यापारी थे, अब ये रूलर्स बनने की राह पर आ चुके हैं। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद रॉबर्ट क्लाइव का एक मास्टर स्ट्रोक था, जैसे आजकल बड़ा मास्टर स्ट्रोक का चलन है, उस समय का ये मास्टर स्ट्रोक था, इन्होंने अवध को एक बफर स्टेट के रूप में खड़ा कर दिया था। कैसे, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक पावर से डरती थी उस समय, मराठास बहुत पावरफुल थे और चाहे वो पानीपत में हार चुके हों लेकिन अभी भी इतना पावर रखते थे कि वो किसी भी दिन चाहे तो बंगाल पे आकर हमला कर सकते थे। क्यों नहीं करते थे, क्योंकि 1751 में अलीवर्दी खान ने उनके साथ एक ट्रीटी साइन कर ली थी, लेकिन अब वो अलीवर्दी खान तो रहा नहीं, तो अब क्या है कि जब भी चाहे मराठा अटैक कर सकते थे और अटैक करते तो अवध से अटैक होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि देखो ये वाला एरिया तो क्या थोड़ा जंगल वाला एरिया है, तो यहां से अटैक्स पॉसिबल नहीं है, अवध के थ्रू ही मेन रास्ता था, तो अवध को इन्होंने बना दिया एक दीवार अपने और मराठास के बीच में, और मुगल अथॉरिटी को हमेशा के लिए अपरूट अगर कर देते, मान लो अगर बादशाह शाह आलम को खत्म कर देते, उसका सर कलम कर देते,
तो बगावत होती, डेफिनेटली होती, इनके लिए कंट्रोल करना मुश्किल होता। तो इन्होंने मुगल बादशाह को पूरी इज्जत बख्शी, इलाहाबाद के किले में रखा, लेकिन पावर उसके हाथ से सारी छीन ली। फिर आता है ड्यूअल सिस्टम ऑफ बंगाल। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे लेक्चर का मेरे अनुसार। ड्यूअल सिस्टम में क्या होता है, दो तरह की गवर्नमेंट चलती है बंगाल में 1765 से 1772, 7 सालों के लिए। दो तरह का एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या यूं कहें कि क्लाइव ने, यह डील कर ली थी कि जो निजामत एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डे टू डे काम, सड़कें बनाना, लोगों के लिए व्यवस्था करना, हॉस्पिटल चलाना, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस वुलिस वाला काम करना, ये सब काम करोगे तुम, कौन? बंगाल के नवाब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो। लेकिन जो पैसा इकट्ठा करना है, यानी कि जो टैक्स का डिपार्टमेंट है, दीवानी राइट्स, यहां से जहां से रेवेन्यू आता है, वो सब करेंगे हम, यानी कि अंग्रेज। तो इन्होंने दो तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। सारा काम कौन करेगा? निजामत एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोकल अफसर, और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे हम, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इससे ब्रिटिश कंपनी के पास पहली बार भारत में एक बड़े प्रोविंस का रेवेन्यू सिस्टम पूरा हाथ में आ जाता है, और जो एक्चुअल जनता पर खर्च करने वाला काम है वो तो यही लोग करेंगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, लेकिन वो करेगा कहां से? तो इसी रेवेन्यू में से कुछ पैसा हर साल फिक्स निजामत के लिए दे दिया जाएगा। और मिलिट्री डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स, अब ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। अब आप दूसरे यूरोपियन पावर्स के साथ बातचीत नहीं करोगे, ऐसा नहीं कि डच को बुला लिया हम पर हमला करने के लिए, ये सब अब नहीं चलेगा, आपका सारा फॉरेन अफेयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। अब लेकिन देखो, इतने बड़े प्रोविंस का रेवेन्यू चलाना इनके बस की भी बात थी नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, चुपचाप दो डेप्यूटी नवाब पकड़े जो बिल्कुल इनके फेवर के थे, उनको बोला सारा रेवेन्यू चलाओ और पैसा लाकर हमारे हाथ में दो। और निजामत एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पहले इन्होंने कहा कि 56 लाख रुपए दे देंगे, ये सब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इसी में चला लेना तुम। लेकिन 56 लाख में पूरा बंगाल चल ही नहीं सकता था, और 2 साल बाद तो इन्होंने 56 लाख का भी 33 लाख कर दिया और इसको कम कर दिया। तो इस 33 लाख में तो बंगाल का कुछ भी नहीं हो सकता था, दिस वॉज सच अ स्मॉल अमाउंट कि इसमें तो बेसिक डे टू डे काम भी नहीं हो पाते थे। तो ड्यूअल सिस्टम के पीछे इंग्लिश कंपनी की सोच क्या थी कि हमारे पास पावर आ जाएगा लेकिन जिम्मेदारी नहीं आएगी, तो ये जो छोटे मोटे काम है डेली रोजमर्रा के, ये सब हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन किसी पर हमला करना है, किसी के साथ संधि करनी है, वो सब अब हमारे हाथ में होगा। तो ओपन एनेक्सेशन इन्होंने नहीं किया, क्लाइव ने अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित नहीं किया, क्योंकि उसके कारण नुकसान हो सकता था, हो सकता है कि पड़ोसी राज्य जैसे मराठा, उड़ीसा, ये सब हमला कर देते, है ना, इनको लगता कि ये तो अंग्रेज तो नवाब बन बैठे हैं, बादशाह बनना चाह रहे हैं, तो उन पर हमला हो सकता था। अब इन्होंने क्या करा कि अंडर द टेबल काम होना चाहिए, बाहर से दिखना ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन काम अंदर सारा हो रहा है, पैसा हमारे पास आ रहा है। और एक और प्रॉब्लम थी, उनको डर था कि कहीं वहां ब्रिटेन में पार्लियामेंट बोलेगी कि तुम कहां के बादशाह बन रहे हो, पार्लियामेंट है यहां तो, ओवरसाइट तो हमारी है, ईस्ट इंडिया कंपनी तो केवल कंपनी है, ये तुम कहां से बादशाह बन रहे हो, ठीक है तुम्हें ट्रेडिंग राइट्स दे दिए थे पहले, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम अपने अलग देश चालू कर लो। तो ये पार्लियामेंट्री ओवरसाइट से बचने का भी एक तरीका था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर जो दूसरे यूरोपियन पावर्स हैं वो इंग्लिश की सत्ता कभी रिकग्नाइज नहीं करते, वो कहते हैं कि तुम कहाँ के चौधरी बन रहे हो यहाँ पे आके, हैं यूरोप में तो हम सब बराबर हैं, चाहे करवाएं अभी ट्रीटी आइला शपील, करवाएं अभी ट्रीटी ऑफ पेरिस, इस तरह की बातें उठ सकती थी, तो इससे भी बचने का एक अच्छा तरीका था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मकसद क्या था, पैसा कमाना, हमारे कमर्शियल इंटरेस्ट बिल्कुल बढ़िया रहे, हम आराम से ट्रेड करें, 0% टैक्स दें, हमें कोई रोक टोक ना हो, ये इनका लक्ष्य था। अभी तक इनका लक्ष्य एम्पायर बिल्डिंग यहाँ पर नहीं हुआ था। लेकिन अब इस ड्यूअल सिस्टम का नुकसान क्या हुआ, नुकसान हुआ जनता को, आम जनता को बंगाल की, बंगाल पूरी तरह से बर्बाद हो गया, वहां के लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स देखने को मिली 7 साल में जितनी आप शायद इमेजिन नहीं कर सकते। इंडिया के ट्रेडर्स को 40% टैक्स देना होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी 0%, किसानों पर कर बढ़ा दिए गए, उनको इतना टैक्स देना पड़ता था कि उनके पास कुछ बचता नहीं था। उसके ऊपर क्या होता है, फेमाइन आ जाती है, ग्रेट फेमाइन ऑफ 1769 टू 1772। बंगाल में इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी फेमाइन आई समय समय पर, लेकिन ये वाली जो फेमाइन थी, फेमाइन का मतलब क्या है कि बारिश नहीं हुई और भुखमरी फैल रही है पूरे एम्पायर में। जस्ट इमेजिन कि कितनी खराब स्थिति होगी कि एक तिहाई लोग भूख से मर गए बंगाल में, ये 1769 और 72 में हुआ था, और ऐसे समय में ये निजामत के पैसे कम कर रहे थे, तो लोग तो गुस्सा होंगे ही। तो लोगों के गुस्से से ज़्यादा इनको फर्क क्या पड़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर थे जो लंदन में बैठे थे वो भी खुश नहीं थे। और वो गुस्सा क्यों थे, क्योंकि उनको लगातार ही खबरें आ रही थी कि क्लाइव के बाद दूसरे अफसर तो उससे भी ज़्यादा करप्ट हो गए हैं, कि इतना करप्शन फैल चुका है कि कंपनी के प्रॉफिट कम हो रहे हैं और पर्सनल प्रॉफिट बढ़े जा रहे हैं, और ऊपर से वो जो फेमाइन की खबरें हैं वो भी आ रही हैं। तो ब्रिटेन में देखो फ्री प्रेस थी, तो वहाँ इस तरह की खबरें छप जाती थी, तो इसके कारण वहाँ पार्लियामेंट में एक स्कैंडल हो गया, और यही वो समय था जब रॉबर्ट क्लाइव को पार्लियामेंट में बुलाया गया, प्रॉपर इंक्वायरी हुई थी क्लाइव को बिठाकर वहाँ पर, और कंपनी ने यह तय किया कि अब टाइम आ गया बदलाव का। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को यहां पर भेजा गया एक नया गवर्नर जनरल बनाकर, और उसने
क्या क्या सिस्टम लाए हेस्टिंग्स के समय, क्या बदलाव हुए, ये हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो हेस्टिंग्स ने आते ही ड्यूअल सिस्टम को खत्म कर दिया, और यहां दीवानी नहीं निजामत होना चाहिए, निजामत राइट्स को अपने हाथों में ले लिया। तो अब रेवेन्यू भी ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करेगी, और जिम्मेदारी यानी कि जनता के जो काम करवाने उसका काम भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। तो ये सबसे पहला बदलाव होता है 1772 में। तो बस आपको टाइम पीरियड याद रखना बहुत जरूरी है। ये वाला डायरेक्टली पूछा जाता है कि ड्यूअल सिस्टम कितने साल चला, 7 साल, ईयर क्या था, 65 फ्रॉम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद टिल 1772 जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में आता है। इसके आगे की कहानी हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।